हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति कॉलेज कुकिंग क्लासेस। हम इजल करण जी में ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, वैसे ही हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। जो क्लास आप कहीं से भी कभी भी और किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो वीडियो एक्सेस रहते हैं वो हमने 6 मंथ तक दिया है और बाकी के जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन है। हर हफ्ते हम नई रेसिपी लेके आते हैं, अदरवाइज नया क्लास लेके आते हैं। तो आज हम आपके लिए, अभी गर्मियों का मौसम है तो हम ठंडाई मीन्स गर्मियों में मोस्टली बॉडी को टेम्परेचर कम करना चाहिए, इसलिए हम ठंडाई पीते हैं। जो हीट का जो परेशानी है, तकलीफ रहेगी तो ठंडाई से वो अच्छी हो जाएगी। वैसे ही आज की हम रेसिपी ठंडाई, वो बहुत ही हेल्दी है और आप गर्मियों के सीजन में कभी भी पी सकते हो। अगर आपने एक ग्लास ठंडाई पी तो आपको पूरे दिन तक ये ठंडक मिल जाती है। तो हम रेसिपी के लिए स्टार्ट करेंगे। अब ठंडाई के लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं, आधा घंटा सौंफ भिगो कर लिए हैं, ये 15 से 16 ये सोक किए हुए काजू है, ये 10 बादाम ये भी सोक किया है, 1 टेबलस्पून पोपी सीड्स मीन्स खसखस जिसे बोलते हैं इसको भी सोक किया है 1 घंटा, ये मेलन सीड्स मीन्स खरबूजे के बीज 2 टेबलस्पून, 10 से 12 काली मिर्च उसको भी सोक किया है, और ये ग्रीन कार्डिमम इलायची इसको भी सोक किया है, ये 9 लिए हैं, पिस्ता को भी सोक किया है। अब ये लिए है 1/4 कप शुगर। अगर आप शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो 2 टेबलस्पून आप इसमें भिगोए हुए किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मेलन सीड्स पानी निकाल कर लिया है, काजू, बादाम, इसको सब एक साथ इसको मिक्स करना है और पीस लेना है। ये काली मिर्च, इलायची, अगर लगे तो इसमें पानी बाद में हमें ऐड करना है, ये सौंफ, गर्मियों के सीजन में ठंडक मिलती है इसलिए ये ठंडाई पीते हैं। अब ये सोक किए हुआ पोपी सीड्स यानी खसखस, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके लेना है। मैं इसको मिक्सी में पीस कर लेती हूँ। अब इसको छन्नी में छान कर लेना है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और जो उसका छना हुआ रहता है, छाना हुआ, वो आप वापस इसको पानी डाल के थोड़ा सा मिक्सी में पीस कर यूज़ कर सकते हो। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर आप जो दूध ले रहे हो वो दूध में भी मीन्स मिल्क में भी आप शुगर ऐड कर सकते हो। ये जो है इसके लिए 1 लीटर मीन्स 1 लीटर पाश्चराइज्ड भी मिल्क चलेगा, और अगर आपके पास पाश्चराइज नहीं हो तो दूध बॉईल करके उसको ठंडा करके उसमें ये ऐड करना है। अब इसमें दूध ऐड करना है, ये मैंने बॉईल मिल्क लिया है ठंडा करके। अगर ये आप सुबह 1 ग्लास ठंडाई पियोगे तो दिन भर इसकी ठंडक मिल जाती है और हेल्थ के लिए भी वो समर सीजन में बहुत अच्छा रहता है। अब ये जो शुगर है, शुगर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जैसे मिठास चाहिए वैसे। अब ये शुगर मेल्ट होने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब इसको ऐसे मिट्टी के ग्लास में या आपके पास जो भी हो उसमें ये ऐड करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा पिस्ता, ये पिस्ता के फ्लेक्स। तो ये अपनी ठंडाई रेडी हो गई।